वार्षिक समारोह संविधान दिवस पर दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों से उत्कृष्ट गणमान्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और प्रेस काउंसिलिंग के चेयरमैन सीके प्रसाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ लाला और एटफॉर्म के चेयरपर्सन और बंगाल सरकार के श्रम विभाग के चेयरमैन जयदीप मुखर्जी, मुंबई के कस्टम विभाग के डिप्यूट कमिश्नर प्रशांत कुमार सिन्हा और मुस्तफा खान को सम्मानित किया गया। आई एम अमिताभ लाला, आई वॉज प्यूनी जज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, देन आई बिकेम द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड देयर आफ्टर नाउ आई एम फंक्शनिंग एज एन इंक्वायरी कमीशन, चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन ऑफ एन इंक्वायरी अंडर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस बुक इज बेस्ड ऑन टैगोर लॉ लेक्चर। Tagore Law lecture is very eminent lecture and it has been given by very, very known jurist of the world. And Justice P.B. Mukherjee, one of the famous judge of Calcutta High Court, when he delivered a lecture on jurisprudence, that was printed as a book. Now it was a very old book. The publisher wanted to revise it. So a speech cannot be, a lecture cannot be revised. Therefore, what would be the idea? He when asked me, I said, many laws are promulgated by the passage of time, repealed or amended. Therefore, had he been alive, what would have been his view is the basic idea of this book. Next question. Sir. As you are saying that that is very difficult subject. So what is exactly, what is the main difficult of that? No, it is not the difficult subject. People are thinking it is not like regular laws which we discuss and argue before the court of law. It is a philosophy of. Main Jaydeep Mukherjee, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और ऑल इंडिया लीगल एड फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये ऑल इंडिया जो फॉर्म बनाया है आप लोगों ने, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, ये ऑल इंडिया लीगल एड फोरम है, जो गरीब आदमी है इसको लीगल असिस्टेंस देने के लिए ये हम लोग ये फोरम को 1997 में हम लोग का जो न्यायाधीश थे, अभी वो नहीं है हम लोग का पास, वो प्रयात तो हो गया जस्टिस डीपी सरकार, उनका इंस्पिरेशन में ये हम लोग ये वो किया था, इसको फॉर्मेशन किया था। इसके बाद लास्ट 17 इयर्स हम लोग ये इसका काम जो चल रहे है तो हम लोग कर रहे है। तो इसमें हम इस प्लेटफॉर्म के तरफ से हम लोग बहुत PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, जैसा जो सिंगूर मूवमेंट जो बंगाल में सबसे बड़ा मूवमेंट लैंड एक्विजिशन का खिलाफ में हुआ था, ये लैंड एक्विजिशन का खिलाफ में जो इसका 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 हम लोग याचिका दायर किया था नंदीग्राम में, जिधर प्रॉब्लम हुआ था नंदीग्राम में हम लोग इस याचिका दायर किया था, और जो बंगाल जो मिड डे मील और जो 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 जिधर से गरीब आदमी का लीगल राइट्स नहीं मिलता उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, हम लोग लीगल एड फोरम का तरफ से हम लोग इसको मदद करता है। और किस टाइप के लोगों को आप ज्यादा मदद करते हैं? जो जो BPL का जो जो जिसका पास कोई कानूनी कुछ नहीं हेल्प नहीं आता, जिस जो जिसका कानूनी हेल्प नहीं मिलता है, हम उस लोग का हम लोग कानूनी हेल्प देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का। तो ये चीज सिर्फ आप बंगाल में करते हैं या? नहीं नहीं, बंगाल में नहीं है, बंगाल बेस्ड है, लेकिन हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में जो जो स्टेट आता है वो स्टेट में हम लोग स्टेट का जो आदमी है, आम आदमी है, गरीब आदमी है, इसका भी है। मैं डिप्टी कमिश्नर कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में हूँ और मुंबई पोर्ट पे भी पदस्थापित हूँ। तो सर, मुंबई से आप इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, आपको दिल्ली तो यहाँ आने से आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। नेशनल ऑल इंडिया लीगल एड फोरम से मुझे मेल आया था कि आपका नाम, आप जो सोशल वर्क कर रहे हैं और जो अपने सर्विस में अच्छा काम किए हैं उसके लिए आपका नाम
या नॉमिनेट किया जाता है फेलिसिटेशन के लिए, इसके लिए मैं इस निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, काफ़ी बड़े चीफ जस्टिस लोग यहाँ पर हैं, रिटायर्ड भी हैं और करंट भी हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, तो उनके व्यूज़ को जानकर और अच्छा लग रहा है। वो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं कंट्री में जो स्थिति अभी चल रही है, जो व्यवस्था चेंज हो रही है, डिमोनेटाइजेशन है और कर चोरी है, ब्लैक मनी है, इस पर चर्चा हो रही है, तो अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लोग क्या बताना चाहते हैं, लीगल एड फॉर्म्स के लोग? जैसे कि वो जस्टिस सरकार ने बताया कि जो अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि 200% इनकम टैक्स पे हम लगाएंगे पेनल्टी, वो बोले ये लीगली मतलब सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाने की क्या ज़रूरत है, 200% तो वो क्यों डिस्क्लोज करेगा। तो इस तरह की कुछ बातें हो रही है। डिमोनेटाइजेशन कोई बोल रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बताया डिमोनेटाइजेशन तो अच्छी चीज़ है, ब्लैक मनी रोकेगा। ब्लैक मनी ज़्यादा FICN जो फेक इंडियन करेंसी थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था सोसाइटी इकोनॉमी से, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन उनका कहने का मतलब है जिसको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दिया गया है जिस संस्था को, जब तक उस संस्था को बंद नहीं करेंगे या उनको एग्जम्पशन बंद नहीं करेंगे तब तक ब्लैक मनी रुकेगा नहीं। आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल बी जनरेटेड अगेन। अपना नजरिया क्या है इस बारे में? नजरिया बिल्कुल सही है कि ब्लैक मनी तो जहाँ आपको एग्जम्पशन है उसी के जरिए ब्लैक मनी वाइट होता है, तो एग्जम्पशन को तो कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। लेकिन डिमोनेटाइजेशन 20-25 को तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा था कि उस 25-30 सालों के बाद एक मुद्रा को बंद कर देनी चाहिए, चाहे कि वो जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्लैक मनी की वो ख़त्म हो जाए, फिर से इकोनॉमी ग्रोथ करे तो वो अच्छी होती है। लेकिन ये लीगल एड की बात है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितना डेथ सेंटेंस का केसेस होता है उसमें कोई सीनियर वकील नहीं अपीयर होता है। इन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए जो जिसका डेथ सेंटेंस है उसमें कम से कम लीगल एड अच्छे तरह से मिले। लीगल एड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई लॉयर को दीजिए, एक ऐसे लॉयर को दीजिए जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, सिर्फ इनरोल्ड एज एन एडवोकेट नहीं है, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट लॉयर। आई थिंक दे विल अचीव दिस। अभी आपने मीडिया के बारे में कुछ बता रहे थे तो थोड़ा हम लोग जानना चाहें कि जरा उस पर भी। अरे आपसे ज़्यादा क्या जानता है मीडिया, हम बार बार कह रहे हैं कि मीडिया ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हिंदुस्तान का मीडिया ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कोई एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, कुछ दूसरे फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक मीडिया ऐसा है, लेकिन काफ़ी मीडिया ऐसा है जो एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, अपने न्यूज़ क्रिएट कर रहा है। मीडिया का ड्यूटी है न्यूज़ कलेक्ट करना, पर्सपेक्टिव में जनता के सामने दे देना और जनता को जज करने देना। अपना व्यूज आप दे सकते हैं लेकिन आप कहिए ये व्यूज है मेरा, न्यूज